हम हमनाबाद एमएलए मिस्टर राजशेखर पाटिल साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि राजेश्वर का बस स्टैंड की ओपनिंग जल्द से जल्द करें ताकि और कोई हादसा ना हो। ये एक्सीडेंट इसलिए हुआ कि राजेश्वर में बस स्टैंड की ओपनिंग नहीं होने की वजह से बसव कल्याण तालुका के राजेश्वर विलेज में NS65 पर जीप और क्रूजर के बीच एक्सीडेंट का वाकया पेश आया। ये एक्सीडेंट इसलिए हुआ कि राजेश्वर में बस स्टैंड की ओपनिंग नहीं होने की वजह से लोग NS65 पर बैठकर बस का इंतज़ार कर रहे थे। उतने में बस नहीं आने पर जीप आ गई। लोग उसमें बैठकर निकलने ही वाले थे कि पीछे से क्रूजर जीप से टकरा गई और इस हादसे में दो लोगों को छोटी सी चोट आई, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। 25 नवंबर यानी 18 दिन पहले हम यही न्यूज़ बनाए थे कि बस स्टैंड की ओपनिंग नहीं होने की वजह से स्टूडेंट और कई लोग NS65 पर बैठकर बस का इंतज़ार कर रहे हैं बोल के, फिर भी इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। देखिए कि इस तरह अभी भी स्टूडेंट हाईवे पर बैठकर बस का इंतज़ार कर रहे हैं। अगर इन स्टूडेंट के साथ कुछ हादसा होता है तो कौन है इसके जिम्मेदार? और इस राजेश्वर की टोटल पॉपुलेशन 25,000 से ज़्यादा है। ब्रिज का रास्ता देखिए कितना छोटा है और इसमें से लोग किस तरह गुजर रहे हैं। हम हमनाबाद MLA मिस्टर राजशेखर पाटिल साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि राजेश्वर का बस स्टैंड की ओपनिंग जल्द से जल्द करें ताकि और कोई हादसा ना हो। कहाँ है तुम? ये इधर हुआ क्या एक्सीडेंट? कितने लोग थे जिप में? चार पांच लोग थे। किधर लगे आपको? ऊपर से गिरा मैं, हाथ को लगा। जिप से गिरे आप? पीछे से क्रूजर मारे क्या? ये पूरे लोग थे जिप में? कहाँ है जिप एक्सीडेंट हुआ? तो किधर है वो सामने का जिप है क्या एक्सीडेंट हो गया? किधर लगे आपके हाथ को बताओ?
नीचे गिरा तो हाथ रखे, नीचे गिरे क्या करते, बस जान के वास्ते ये, बस जान के वजह से छोरा है पैसेंजर बन लेने के वास्ते। अब वो पीछे से अच्छा हुआ किसको कुछ हो गया, किसको कुछ नहीं हुआ, उसको जरा पांव पे लगा, तुमको भी लगा पांव को, किधर लगा? ये जीप को मारा क्या? ये पैसेंजर थे जीप में पूरे, ये जीप, ये पीछे से मारे क्रोधर वाले, ये पूरा पैसेंजर थे अंदर।